रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैप्टन फैफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले कहा कि हम फील्डिंग करेंगे पहले, जो कि होने ही वाला है जब तक चार पांच मैच लगातार बैटिंग सेकंड टीम हार ना जाए। तो फैफ ने भी कहा हम फील्डिंग करेंगे। टीम्स की बात की जाए तो आरसीबी अनचेंज रही, वही केकेआर ने सिर्फ एक चेंज किया, उन्होंने शिवम मावी को हटाया और शिवम मावी की जगह टीम साउदी है। फिर केकेआर बैटिंग करने आई तो मतलब पूरी तरह से रख दिया है केकेआर ने। केकेआर पूरी टीम 128 पे ऑल आउट हो गई। पहले तीन ओवर तो आराम से गए, 14 रन बनाए। फिर चौथे ओवर में बोलिंग करने आकाशदीप सिंह ने वेंकटेश अय्यर को आउट किया। अगले ओवर में बोलिंग करने आते हैं मोहम्मद सिराज अजिंक्य रहाणे को कैच आउट कर देते हैं। फिर वापस आते हैं आकाशदीप सिंह इस बार नितिश राणा उनको पुल करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। सातवें ओवर में बोलिंग करने आते हैं वानिंदू हसरंगा श्रेयसिय्यर को आउट कर देते हैं। नौवें ओवर में वानिंदू हसरंगा वापस आते हैं अपने स्पेल की, दूसरा ओवर डालने, ओवर की जो लास्ट दो बॉल्स होती है तो लास्ट सेकेंड बॉल पे तो सुनील नारायण आउट होते हैं और अगले बॉल पे शेल्डन जैक्सन, जो नए बैट्समैन थे पहली बॉल खेल रहे थे, तो शेल्डन जैक्सन भी आउट हो जाते। फिर 12वां ओवर डालने आते हैं हर्षल पटेल और वो मेडन विकेट ओवर ले जाते हैं। पूरा ओवर मेडन रहता है और सैम बिलिंग्स को आउट भी कर देते हैं। एक तरफ से विकेट गिरे जा रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, बट एक छोर से एंड्रे रसल टिके हुए थे। 13वां ओवर जो शाहबाज अहमद का ओवर था उसमें दो छक्के सहित 16 रन ठोके रसल ने, लेकिन 14वें ओवर में वापस आए हर्षल पटेल बॉलिंग करने और हर्षल पटेल ने फिर से मेडन विकेट ओवर डाला। हर्षल पटेल एक मैच में दो मेडन ओवर डालने वाले दूसरे बॉलर बन चुके थे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 2020 में कोलकाता के खिलाफ ही लगातार दो मेडन ओवर डाले थे। फिर अगला ओवर डालने आते हैं वानिंदू हसरंगा इस बार टीम सऊदी को आउट कर देते हैं। फिर उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती बचे रहते हैं, तो 127 रन की साझेदारी हुई जो 101 से 128 तक ले गई और आकाशदीप सिंह 19वें ओवर में आते हैं और उमेश यादव को भी आउट कर देते हैं। इस तरह से पूरी कोलकाता की बैटिंग बिखर के रह जाती है, बट थैंक्स टू द बैटिंग ऑफ उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती एंड एंड्रे रसल, वरना ये 128 का स्कोर भी नहीं बनता। 49 से पहले ही ऑल आउट कर देती है आरसीबी केकेआर को। जब आरसीबी बैटिंग करने आती है तो आरसीबी ने भी इजीली टोटल चेज नहीं किया, टोटल चेज करने में 20वां ओवर पहुंच गया था, 20वें ओवर की दूसरी बॉल तक खींच लिया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने गेम को। अगर शुरू से बात की जाए चेज की, तो जब रॉयल चैलेंजर्स बैटिंग करने उतरी तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुरुआती तीन ओवर बहुत ही शानदार किए, क्योंकि पहले ओवर में उमेश यादव ने अनुज रावत को आउट कर दिया, दूसरे ओवर में टिम साउदी आए और फैफ डु प्लेसिस को आउट करके जो कैप्टन थे, और तीसरे ओवर में कमर तोड़ के रख दिया आरसीबी बैटिंग लाइनअप की, क्योंकि उमेश यादव ने तीसरे ओवर में विराट कोहली को भी वापस भेज दिया। उसके बाद पावर प्ले तो ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन 6th ओवर में रसल आए और उस ओवर में 11 रन पड़े एंड्रे रसल को, जो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा। एक अच्छा पावर प्ले से एक एवरेज पावर प्ले बन गया वो। फिर 8वें ओवर में 13 रन का एक ओवर आया वरुण चक्रवर्ती के ओवर में। इन सब ओवर के चलते थोड़ा सा प्रेशर रिलीज भी हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से। एक टाइम तक आरसीबी 17-4-3 थी, लेकिन 17-4-3 से 62 तक फोर का सफर तय करवाया डेविड विली और शॉनफेन रदरफोर्ड ने। शॉनफेन रदरफोर्ड हम सब जानते हैं बहुत अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, उन्होंने 2019 के एक सीजन में अच्छी हिटिंग की भी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और बात की जाए डेविड विली के लिए, तो डेविड विली कभी कभी बीबीएल में ओपनिंग भी कर लेते हैं। इन दोनों के बीच एक 45 रन की एक बहुत अच्छी हुई, जिसने गेम को संभालने का काम किया। फिर आते हैं बैटिंग करने शाहबाज अहमद आते हैं, कुछ रन बटोरते हैं पहले दूसरे ओवर जब वो बैटिंग करने आते हैं, और फिर जब 13 ओवर आता है इनिंग्स का जो एंड्रे रसल बॉलिंग करने आते हैं, उस ओवर में दो छक्कों के साथ 15 रन बटोरे शाहबाज अहमद ने, जिससे जो थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ा था डेविड विली के आउट होने के बाद आरसीबी पे, वो प्रेशर रिलीज कर दिया शाहबाज अहमद ने। केकेआर के बॉलर्स उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट लाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि 16 ओवर में वरुण चक्रवर्ती आते हैं बॉलिंग करने और सेट शाहबाज अहमद जो 20 बॉल पे 25 रन बना के खेल रहे थे उन्हें आउट कर देते हैं। वैसे तो स्ट्राइक रेट उनका स्लो था, बस इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा था स्ट्राइक रेट। उसके बाद 18वें ओवर में बॉलिंग करने आते हैं टीम साउदी, पहला बॉल वाइड देते हैं
लेकिन दूसरे बॉल में वो शॉफेन रदरफोर्ड को आउट कर देते हैं जो सेट बैट्समैन थे। शॉफेन रदरफोर्ड ने भले 40 बॉल्स में सिर्फ 28 रन बनाए हो, बट अगर इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा तो ये आई थिंक बेस्ट पारी रही होगी। फिर उसी ओवर में वानिंदू हतरंगा आते हैं बैटिंग करने आते हैं टिम साउदी को, लेकिन टिम साउदी उन्हें भी रिमूव कर देते हैं। तो ये मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग बढ़ रहा था, लेकिन फिर श्रेयसय्यर एक गलती करते हैं जो गलती की थी केएल राहुल ने एक दो मैच पहले। 1900 ओवर दो चेज में 20 ओवर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसे दे देते हैं वो अपने पार्ट टाइमर वेंकटेश अय्यर को, और 20 ओवर में प्रॉपर जो ऑलराउंडर थे उनके एंड्रे रसल उन्हें बॉलिंग देने का फैसला करते हैं, जो आई थिंक मैच के कॉन्टेक्स्ट में वन ऑफ द बिगेस्ट फुलिशनेस थी श्रेयस अय्यर के द्वारा। 19 ओवर की शुरुआत तो लेकर क्या करते हैं, पहले दो बॉल पे दो ही रन देते हैं, लेकिन फिर एक गलती शॉर्ट बॉल और वहाँ पे चौका पड़ जाते हैं। फिर अगले दो बॉल्स डॉट देते हैं, लेकिन फिर एक लेंथ बॉल डाल देते हैं और फिर वहाँ पे चौका, जो ओवर में 2 या 3 रन निकाल सकते थे सिर्फ वो 10 रन दे दिए थे वेंकटेश अय्यर ने। फिर आखिरी ओवर डालने आते हैं एंड्रे रसल और स्ट्राइक पे होते हैं वहाँ पे दिनेश कार्तिक। एंड्रे रसल तो अब लेकिन क्या ही कर सकते थे, 6 बॉल में 7 रन चाहिए थे सिर्फ, और दिनेश कार्तिक आते हैं पहले बॉल पे छक्का और दूसरे बॉल पे चौका मार के मैच फिनिश कर देते हैं अपनी पूर्व टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। बट अगर आप केकेआर के फैंस हो, केकेआर मैनेजमेंट में हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज जस्ट किस्मत खराब थी थोड़ी, क्योंकि पिच आई डोंट थिंक 190 वाली थी, तो बैटिंग तो ठीक हुई थी, बस अगर अक्षदीप सिंह जो भी है अगर वो विकेट नहीं लेते और पूरे ओवर्स खेल लेते उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती मिलकर 135 बना लेते हैं, तो एक तो 7-8 रन एक्स्ट्रा रहते डिफेंड करने के लिए, प्लस वो जो प्रेशर आरसीबी के बैट्समैन ने लिया था 128 को 120 से राउंड ऑफ करके लेते हैं, लेकिन अगर 135-137 होता तो उसे 140 से राउंड ऑफ करके लेते तो वो प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ जाता, तो उस तरह से केकेआर की मदद हो सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, केकेआर मैच हार गई। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरसीबी। आज के वीडियो में बस इतना ही, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।